महाराज जी को आ जाओ, पुजारी जी। नेताजी आपको आज भोले की नगरी में कैसा आना हुआ? भोलेनाथ की तो पूरी दुनिया ही है। आज उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि दर्शन करना है उनके, तो उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ चला आया। मैं मूलतः यहीं का रहने वाला हूँ, चित्राट का, और पहले भी आया हूँ, कई बार आया हूँ यहाँ दर्शन करने। आज ऐसे ही आया था गांव में, तो चूँकि भोलेनाथ, मैंने बताया भोलेनाथ जी की प्रेरणा थी, तो दर्शन करने के मैं आ गया। उनकी कृपा पूरे देश पर, उत्तर प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर बनी रहे, यही प्रभु भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन में आप किस पद पर, किस मंत्री पर हो? मैं अभी पाठ्य पुस्तक निगम करके एक हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में एक निगम है, उसका चेयरमैन हूँ। मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो मध्य प्रदेश में स्कूलों में विशेष करके कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो मध्य प्रदेश सरकार देती है विद्यार्थियों को, वो ठीक से उपलब्ध हो सके, उसकी चिंता मुझे करनी होती है। अच्छा, आप भोले की नगरी में आए हो, तो आपने यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ देखी तो आपका मन खुश हो गया? नहीं, वो तो साक्षात भोलेनाथ जी विराजमान है। बटेश्वर के मामले में तो कहते हैं ना कि सब तीर्थ कर लिए और बटेश्वर नहीं किया तो सब अधूरे हैं, तो बटेश्वर में साक्षात भोलेनाथ हैं। तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या कहते हैं? बस प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, जनता पर बनी रहे। बटेश्वर भोलेनाथ ने माननीय योगी जी को फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपी है, वो उनको ताकत मिले, अच्छे से शक्ति से वो काम कर पाएँ, जैसा काम पहले कर रहे थे उससे और अच्छा कर पाएँ, यही प्रभु से प्रार्थना। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर हमारे योगी बाबा बुलडोज चल रहा है, तो वहाँ पर अपन के शासन में, मध्य प्रदेश शासन में योगी, सॉरी मामा, मामा का भी बुलडोजर चल रहा है, मामा का भी चल रहा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।